हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका विवेक कुमार यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैं कुछ वीडियोस में अपग्रेडेशन करने वाला हूँ जो 1 तारीख के बाद हो पाएंगी। आपको अच्छी ऑडियो वीडियो क्वालिटी देने की मैं कोशिश करूँगा। सो तब तक के लिए मैनेज कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रिसेंटली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक ए इंसाफ, उनकी एक बहुत बड़ी लीडर ने एक स्टेटमेंट दी है जिसकी वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। सारे इंडियन न्यूज़पेपर्स इसको कवर कर रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। स्टेटमेंट ये है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ की एक लीडर ने ये स्टेटमेंट दे दी कि तालिबान हमारे साथ है, कश्मीर के इशू को लेकर तालिबान हमको फुल सपोर्ट करने वाला है। अब आप बोलेंगे तालिबान तो पहले ही बोल चुका है, एज ए गवर्नमेंट, एज ए अफगान गवर्नमेंट, हम इंडिया और पाकिस्तान का इंटरनल मैटर मानते हैं, जम्मू कश्मीर को हम इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे। ये तो तालिबान ने बोला है, लेकिन तालिबान जैसे कि आप बोल सकते हैं ये एक ग्रुप ऑफ टेररिस्ट है, ये कोई सिविलाइज लोगों का ये कोई संगठन नहीं है। और उन्होंने ये तो बोला है कि ऑन गवर्नमेंट लेवल हम कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कभी भी बोला कि हम अपने आतंकवादी यहाँ पर नहीं भेजेंगे जो इंडिया को हार्म करेंगे। ऐसा तालिबान ने ये कभी भी नहीं कहा है। तो अब जैसे ही ये स्टेटमेंट आई, यहाँ पर सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया और हमारे जो इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनसे ये सवाल पूछा गया कि अगर कल को जो अफगानिस्तान की बॉर्डर पाकिस्तान से लगती हुई है वहाँ से आतंकवादी आकर के पीओके में घुस करके हमला करते हैं तो आप क्या करेंगे। हमारे ऑफिसर्स का सबसे पहला जवाब यहाँ पर ये था कि अगर आप सांप को अपने घर में पालेंगे, आप अपने घर के पीछे सांप को पालेंगे ये सोच करके कि ये हमारे पड़ोसी को हार्म करेगा, तो इस बात का आपको भूल जाना चाहिए, सबसे पहले ये आपको ही हार्म करेगा। तो अभी इशू क्या है, जो यहाँ पर आतंकवादी जो तालिबान के हैं, हमारी इंडियन आर्मी का कहना है कि ये लोग पहले कियोस्क पाकिस्तान में ही मचाएंगे, पाकिस्तान में और आतंकवाद फैलेगा तब ये जाकर कहीं भारत तक पहुँचेंगे। लेकिन अभी इशू यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, इंडियन आर्मी से जब पूछा गया तो कि आप इनसे कैसे निपटोगे, तो इंडियन आर्मी ने बताया है कि हमारा स्टांस आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है, इस बार आतंकवादी हमला करने के लिए आएंगे उनके पास होंगे अमेरिकन वेपन्स, M4 राइफल्स, नाइट विजन कैमराज और पूरा उनके पास जो हमवीज, जो भी उनके पास एम्युनिशन है वो सब अमेरिकन मेड है। और अगर एक आतंकवादी के पास नाइट विजन हेलमेट है, नाइट विजन कैमरा है और उसके पास M4 राइफल और बाकी जो बॉडी में जो वेपन्स वो कैरी करके लेके आएगा सब अमेरिकन मेड होंगे, तो आप सोच सकते हैं कितना इनको रोकना मुश्किल होगा और कितना बड़ा ये यहाँ पर कियोस्क खड़ा कर सकते हैं, ये तबाही भी मचा सकते। तो ये काफ़ी बड़ा एक कंसर्न हो गया है। ये केवल हमारे लिए नहीं, रशिया भी इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी कंसर्न है। रशिया ने यूएस की कड़ी आलोचना की है कि जिस तरह यूएस ने अफगानिस्तान से पुल आउट किया है ये बहुत गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने सारे वेपन्स यहाँ पर तालिबान के हाथों में देकर वो चले गए हैं। और जो नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान की, और अगर अगर उन वेपन्स को लेके अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं उनके आतंकवादी पड़ोसी कंट्रीज पे हमला करना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल काम हो जाएगा, ट्रिकी काम हो जाएगा इसको संभालना। अब बात आती है हमारे CDS की। हमारे CDS से भी यही सवाल पूछा गया कि अगर हमारे सामने ये इशू आता है तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो हमारे CDS जनरल बिपिन रावत साहब ने हमको ये बताया कि देखिए, रशिया से हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग पहले ही एक अलग लेवल पे चल रही है, हम रशिया के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, हम अपनी जो इंटेलिजेंस है उनको प्रोवाइड करेंगे और उनकी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो हमका एक्सेस हमको रहेगा, तो हम ये ट्राई करेंगे मैक्सिमम लेवल पर कि कोई आतंकवादी हमला यहाँ भारत में ना हो पाए, कोई भी टेररिस्ट यहाँ पर ना घुस पाए। इसके अलावा उन्होंने एक और वर्ड यहाँ पर बोला है कि हम यहाँ पर हेल्प चाहेंगे क्वाड की। क्वाड में जो कंट्रीज़ हैं, आप 4 कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और US, तो क्वाड से उनका मेन जो इशारा था वो था US की तरफ कि US को हमारे साथ
इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी होगी, तभी जाकर बहुत बड़े लेवल पर करनी होगी, तो जाकर के हम यहाँ पर अपने देश में आतंकवादी को घुसने से रोक पाएंगे। इसके लिए हमने यूएस के साथ पहले ही कुछ मैकेनिज्म डेवलप कर रखे हैं, जैसे कॉमकासा हो गया, लेमोआ हो गया, बहुत सारे एग्रीमेंट हमारे यूएस के साथ ऑलरेडी चल रहे हैं। तो यहाँ पर विपिन रावत साहब का एक ये भी कहना है कि हमको क्वाड की हेल्प चाहिएगी और रशिया के साथ हम अलग से बात कर ही रहे हैं, ये जो कियोस्क खड़ा हो गया है अफगानिस्तान में, इससे हमको निपटने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ और बेहतर सोल्यूशन हो सकता है कि जो तालिबानी टेररिस्ट है हम उनको पीओके के थ्रू जम्मू कश्मीर में ना घुसने दें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इफ़ आई विल लाइक योर कमेंट तो मैं उसको पिन करूंगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थोड़ा वेट कीजिए, मैं बेहतर कंटेंट आपके लिए लेके आना शुरू करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट।